अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम प्रोफेसर तारिक अशरफ है। मैं सतनेश मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक से बात कर रहा हूँ। मैंने 1989 में NICVD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज ज्वाइन किया। उस वक्त जो हमारे पास पेशेंट्स आते थे वो हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज के होते थे, लेकिन वो ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट्स होते थे, यानी 40 या 50 साल से ऊपर। विद टाइम जो है ये पेशेंट्स एल्डरली पेशेंट्स या मिडिल एज पेशेंट्स कन्वर्ट हो गए यंग एज ग्रुप में, यानी वो मरीज जो 25 साल से ऊपर पेशेंट्स हैं। अभी हमारे पास पेशेंट्स एल्डरली पेशेंट्स तो आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स 25 साल से ऊपर हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और डे इन एंड डे आउट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसकी जो सबसे ज़्यादा अहम रीज़न है उसमें फिजिकल इनएक्टिविटी, डाइट जिसमें आपके जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा, सॉल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ये हमारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को, नंबर ऑफ पेशेंट्स को बढ़ा रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन इस वक्त हार्ट के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने यंग पेशेंट्स को बचाएं ताकि उनकी लॉन्गेविटी बढ़े। और उसके प्रिवेंशन का तरीका ये है कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, डाइट के मुतालिक ख्याल किया जाए, कोलेस्ट्रॉल जिन डाइट्स में हैं उनकी प्रिवेंशन करें, सॉल्ट कम से कम इस्तेमाल करें, अगर वो डायबिटीज़ हैं तो एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ करें, स्ट्रेसेस जो है उसको कम करें, इससे जो है ना हार्ट के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो बेहतर है सेकेंडरी प्रिवेंशन से, यही हमारा गोल हो पाकिस्तान के हार्ट को बचाने के लिए। सो यही वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का एक पैगाम है कि हम प्राइमरी प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें ताकि ये प्रॉब्लम्स हमारे यंग पेशेंट्स में ना हों और एल्डरली पेशेंट्स भी इस चीज़ का खास ख्याल करें। शुक्रिया।